वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में। देखिए, रेंजिंग दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट रेंजिंग, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग का मतलब होता है कि दो रेंजिंग रॉड के बीच में तीसरी रेंजिंग रॉड इस तरह से लगाई जाए कि वह एक सीधी लाइन बन जाए। रेंजिंग की यह प्रक्रिया डायरेक्ट रेंजिंग कहलाती है। लेकिन इस केस में रेंजिंग रॉड दोनों जिसके बीच में तीसरी रेंजिंग रॉड को हम लगा रहे हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं। ठीक है, रेंजिंग रॉड पॉइंट ए से पॉइंट बी एक दूसरे को देख सकते हैं, बी से ए भी देख सकता है। तब इस प्रक्रिया में किया गया जो रेंजिंग होगा वो होगा डायरेक्ट रेंजिंग। लेकिन ऐसा कंडीशन जब ए पॉइंट बी पॉइंट को नहीं देख सकता हो और बी पॉइंट भी ए पॉइंट को नहीं देख सकता हो, इस प्रक्रिया में किया गया रेंजिंग इनडायरेक्ट रेंजिंग कहलाता है। तो बात यह आएगी आपके दिमाग में कि जब एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं तो इसके बीच में तीसरी रॉड को कैसे लगा सकते हैं। तो वही प्रक्रिया सर्वेइंग के अंतर्गत में हम लोग करते हैं, जिसको कहा जाता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। इस प्रक्रिया में करते क्या है कि कोई दूर से, जैसे कि ये पहाड़नुमा स्ट्रक्चर ए और बी के बीच में स्थित है, तो इसके बाहर से हम दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, वो दोनों पॉइंट इस तरह से होना चाहिए कि दोनों पॉइंट से स्टेशन ए और स्टेशन बी दिखे। सिमिलर, जैसे कि ए और बी से हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट किए, सॉरी थर्ड पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किए, सी पॉइंट और अनदर पॉइंट डी। कैसे करेंगे तो इस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, करते हैं क्या है इसमें, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर आपका व्हाइट शीट आ चुका है, देख सकते हैं कि व्हाइट शीट पर कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के इंटरविजिबल है, एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, तो करेंगे क्या, एक सी पॉइंट यहाँ मेंशन किए, एक डी पॉइंट और भी मेंशन किए। ये सी से ए और बी देख सकते हैं और डी से भी ए और बी दोनों देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में करेंगे क्या, सी से बी को हम इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे, रेंज करेंगे और डी को कहेंगे कि ये इस लेवल में आ जाए, कि इस तरह से इस पोजीशन को, नया पोजीशन को गेन करे कि सी डी डैश और बी एक सीधी लाइन पे आ जाए। ऐसा पॉसिबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट शीट में, व्हाइट शीट पर देख सकते हैं क्या है कि सी और डी दो ऐसे पॉइंट लिए, सी से स्टेशन ए भी विजिबल था और स्टेशन बी भी विजिबल था, डी से भी ए और बी दोनों विजिबल थे। तो हम पहले प्रक्रिया में क्या किए, सी से बी को हमने बाइसेक्ट किया और इस डी को कहे कि आगे आ जाए, जो कि थोड़ा सा ऊंचाई पे इसको चढ़ना पड़ा, ठीक है, तो ये अपना नया पोजीशन गेन कर लिया। इस तरह से सी डी डैश और बी एक सीधी लाइन में आ चुके हैं। अब यही प्रक्रिया फिर से करेंगे, क्या करेंगे, तो जो डी डैश है, डी डैश से स्टेशन ए को बाइसेक्ट करेंगे, उसको देखेंगे और वहां पर रेंज करेंगे और कहेंगे सी पॉइंट को उसके लाइन में आने के लिए। कैसे करेंगे, देखिए, इस डी डैश से, डी डैश जो पॉइंट है, इससे हम ए को क्या किए, बाइसेक्ट किए यहां से, देखिए इसको बाइसेक्ट किए। बाइसेक्ट करने के बाद जो सी स्टेशन है, सी वाले रॉड को बोलेंगे तुम यहां पर आ जाओ, तो ये आ गया यहां पर नया पॉइंट पे, ये आ गया सी डैश पे। अगेन यही प्रोसीजर फिर से करेंगे। कब तक ये प्रोसीजर करना है, जब तक कि ए और बी के बीच में सी डैश और डी डैश वाला लाइन नहीं आ जाता हो। हमें पता कैसे चलेगा, तो हम जब जैसे जैसे प्रोसीजर होता रहेगा हम डायग्राम ड्रॉ करते रहेंगे, और नहीं तो फील्ड में भी, और फील्ड में ये डायग्राम ड्रॉ होगा तो हमें पता चल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, सी डैश से बी को बाइसेक्ट करेंगे, ये देखिए, ये सी डैश से बी को बाइसेक्ट किए। अब बाइसेक्ट करने के बाद ये डी को बोलेंगे, रेंज होगा तो इसके बीच में इसको आना पड़ेगा, तो नया पोजीशन फिर से ये अपना गेन किया डी डबल डैश। अगेन ये प्रोसीजर फिर से रिपीट होगा, डी डबल डैश से अब किसको करेंगे, तो ए को देखेंगे, ए को यहां से देखें, ए को देखें, और जब ए और डी डैश के बीच में सी नहीं था, सी डैश नहीं था, तो कहेंगे सी को भी तुम इसके बीच में आ जाओ ताकि ये एक सीधी लाइन बना ले। ठीक है, अब ये करना पड़ेगा फिर से एक बार प्रोसीजर, और ये लास्ट प्रोसीजर होगा क्योंकि अब ये लगभग सीधी रेखा बनाने लगे हैं। तो सी डबल डैश से फिर से लास्ट में बी को, देखिए ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट को फिर से हमने बाइसेक्ट किया यहां से देखा, और डी डबल डैश को बोले कि और आगे आने की जरूरत है। अब यहां से जब हम बाइसेक्ट करेंगे, अब जब यहां से देखिए डी ट्रिपल डैश से जब देखेंगे तो सी डबल डैश दिखेगा, सी डबल डैश अब बिल्कुल ऊंचाई पर है। अब यहां से देखने पर यह पता चलेगा कि डी ट्रिपल डैश और बी पॉइंट ये दोनों क्या है, एक सीधी लाइन में है। सिमिलरली सी जब यहां से देखेगा ए पॉइंट को, तो ए पॉइंट भी इसको बिल्कुल भी सीधी लाइन में दिखेगी। और यहां से भी अगर क्लियर नहीं होता है तो यहां से हम व्हाइट शीट पर देखेंगे। अब देखिए ए सी डबल डैश डी ट्रिपल डैश एंड बी एक लाइन में आ चुके हैं। जब ये रेंजिंग हो जाता है तब करते क्या है, सभी पॉइंट के बीच में हम इस तरह से डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, या तो चेन से या तो टेप से।
तो दोस्तों यही हमारी रेंजिंग की प्रक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग। अगर आप आज इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो हमारे चैनल को जरूर